हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आज हरे प्याज और आलू की सब्जी बना के तैयार किया है, और ये मैंने दो तरीके से बनाया है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा कि मैंने हरे प्याज और आलू की दो तरीके की सब्जी किस तरीके से बना के तैयार किया है, तो उसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो स्टार्ट करते बनाना। यहाँ पे मैंने कच्चे आलू 6 लिए हैं, 6 या 7 हैं तो वो लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ कुकर में पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए गैस पे रख दिया है। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। उधर बॉईल करने के लिए आलू मैंने रखा है, और इधर हरे प्याज को मैंने लिया है, जिसको कि साइड का पार्ट जो होता है उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा रहता है, उसको मैंने निकाल लिया है और इसको रगड़ रगड़ के अच्छी तरीके से धो लिया है। और धो करके नीचे का व्हाइट पार्ट मैंने पहले साइड करके कट करके रख दिया है, और ग्रीन पार्ट को छोटे छोटे पीस में कट कर रही हूँ। और ये सब्जी जो है बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। आप इसको पूरी, पराठे, चावल या जो भी आपको पसंद हो, लच्छा पराठा, कोई भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है, इसके टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। ग्रीन पार्ट को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, उसके बाद व्हाइट पार्ट जो मैंने सेट कर लिया था उसको भी मैंने, इसको ऊपर का ये छिलका थोड़ा सा गंदा सा होता है तो उसको मैंने निकाल लिया है। उसके बाद ऐसे लंबे आकार में मैंने कट कर लिया है, देखिए। और आप इसको राउंड राउंड नहीं कट करिए, आप लंबा लंबा ही कट करिए। बहुत अच्छा सा ग्रेवी से बन के तैयार होता है। इधर 2 सीटी मैंने लगाया है, देखिए इस तरीके का प्याज कटना चाहिए, तो 2 सीटी मैंने लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ढक्कन को खोल लिया है। ढक्कन खोलने के बाद आलू को छील लेंगे अच्छी तरीके से, और ये सब्जी जो है बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है और बहुत ईजी तरीके से बन भी जाती है, और ये सबको पसंद आती है। तो आप इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा, तो आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा इस सब्जी को। मैंने इधर कढ़ाई को रखा है गर्म होने के लिए। गर्म होने के बाद बाहर के 2 चम्मच तेल डाल दिया सरसों का, तड़के के लिए जीरा डाल दिया है। जीरा थोड़ा ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें प्याज कट कट के 2 प्याज मैंने डाला है, इसको लंबे आकार में मैंने काटा है, उसको डाल दिया है। फिर हरी मिर्च को इसमें डाल दिया है, 2 हरी मिर्च मैंने डाला है। फिर व्हाइट कलर का जो पार्ट, जो प्याज है ग्रीन वाला, तो व्हाइट पार्ट मैंने इसको में पहले डाल दिया है क्योंकि इसको थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद मसाले में रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर सबको डाल दिया है। आप सब्जी जितना क्वांटिटी में बना रहे हो उसके हिसाब से आप जितना मसाला आप खाते हो, तीखा या कम मसाले वाली सब्जी खाते हो, उस हिसाब से आप इसमें डालिए अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर हरे वाले पार्ट को, यानी कि हरे प्याज को मैंने डाल दिया है, इसको मीडियम फ्लेम पे चलाते रहेंगे। उसके बाद एक टमाटर मैंने बड़े साइज का कट किया है, उसको भी मैंने डाल दिया है, इसको भी कंटिन्यूसली भूनते रहेंगे। भूनने के बाद फिर यहाँ आलू बॉयल किया हुआ था जो, उस जिसको कि मैंने कट कर लिया है। और आप अगर ग्रेवी वाली और सब्जी चाहते हैं तो इस आलू को कट नहीं करना है, इस आलू को, बॉयल किए हुए आलू को तोड़ के इसमें डाल दीजिए। ग्रेवी वाली चावल पे खाने वाली सब्जी बन के तैयार होगी टेस्ट के हिसाब से। इसमें नमक डाल दिया है, और अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हो तो आलू को जरूर तोड़ के डालिए। ग्रेवी अच्छी बनती है, थिक सी, बहुत अच्छी सी बनती है। फिर मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच इसमें डाल दिया गरम मसाला। उसके बाद मैं फिर से इसको भूनूंगी, 5 से 7 मिनट इसको भूनते हुए हो जाता है। मैं बीच बीच में रुक रुक करके इसको 5 मिनट तक मैंने भूना है। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसमें ज़्यादा पानी का यूज अभी नहीं मैं करूँगी क्योंकि इसको रोटी के साथ खाना है। तो आप इसको थोड़ा सा ठीक ही रखिए, कम ही पानी मैंने डाला है। फिर 2 मिनट मैंने ढका, और ये जो ग्रीन कलर का ये जो है प्याज और आलू दोनों पके हुए थे, 2 मिनट में ये सब्जी बन के हो गई तैयार। इसको मैंने कटोरे में निकाल लिया है बाउल में, और इसको अच्छी तरीके से सर्व करके आप खाइए। गर्मा गर्म रोटी, पूरी, पराठे, कोई भी चीज़ के साथ बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई। तो बताइए आपको कैसा लगा, एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो फिर दूसरा रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, हरे प्याज और आलू के। इधर मैंने गैस ऑन किया है, कढ़ाई रखा है, उसमें मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब तेल डाला है सरसों का। तड़के के लिए मैंने जीरा
तेज पत्ता और लाल मिर्च को डाल दिया है। मैंने प्याज, एक टमाटर, हरे प्याज को काट लिया है और 2 बड़े साइज का नॉर्मल जो प्याज आता है वो डाल दिया है। और मैंने यहाँ पे हींग डाला था, आप 1 पिंच हींग डाल दीजिए इस सब्जी में। फिर ये नॉर्मल प्याज जो होता है वो डाल दिया है। उसके बाद मैंने ये व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है हरे प्याज का वो मैंने डाल दिया, इसको भून लिया है। फिर हरी मिर्च 3-4 मैंने इसमें ज़्यादा हरी मिर्च का यूज किया है तो वो डाल दिया है। इसको भूनने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच के करीब और इसको भूनते रहेंगे। आप अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिए, अगर खाते हैं तो डाल दीजिए। और इसको भूनते रहेंगे और रेगुलर मसाले में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जो हम लोग रेगुलर मसाले डेली खाते हैं, और काली मिर्च पाउडर 1/4 यानी कि 2 चुटकी के करीब इसमें डाल दिया है मैंने। उसके बाद इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे कट करके रखा है हरे प्याज को ये डाल लेना है और ये प्याज को भी अच्छी तरीके से भूनते रहना है जब तक ये भून के पक नहीं जाए, गल नहीं जाए, इसको भूनते रहना है कंटिन्यूसली। तो ये सब्जी जो बन के तैयार होगी ये भी बहुत टेस्टी बनने वाली है। और इसको मैं सूखा बनाऊंगी तो यहाँ पे 3-4 टमाटर मैंने मीडियम साइज का लिया, इसको भी कट कर लिया और इसको भी डाल दिया मैंने, इसको भी भूनते रहना है। और ये सब्जी मैं ग्रेवी वाली नहीं बना रही हूँ, ये सब्जी मैं सूखा चावल दाल के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे गरम मसाला मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दिया है। और इसको फिर से भूनना स्टार्ट करते हैं, इसको भूनते रहना है। आप बताना कि हरे प्याज की जो सब्जी आप बनाते हो तो अलग अलग रेसिपीज की बहुत सारी आती है, अगर मैं बनाऊंगी तो आपसे जरूर शेयर करूंगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा। और यहाँ 4-5 मैंने बड़े साइज का कच्चा आलू लिया है जिसको की छील काट लिया है, धो के अच्छी तरीके से इसमें डाल दिया है। और इसको सब्जी को चलाते रहेंगे और इसको ढक ढक के पकाते रहेंगे। इसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है क्योंकि ये आलू कच्चा है, इसको बनाते हुए 10 से 15 मिनट हो ही जाता है। तो ढक ढक के इसको भूनेंगे, तो यहाँ ढक ढक के मैं इसको भून रही हूँ। और ये जो पहले वाली सब्जी मैंने बनाई थी वो बस बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे भून ही रही हूँ मैं, देखिए ये ऑलमोस्ट अब भून के अच्छी तरीके से हो गया है तैयार। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और ये जो सब्जी मैं बना रही हूँ तो ये चावल दाल के लिए मैं बना के तैयार कर रही हूँ। और पहले वाली सब्जी मैंने पूरी के लिए, पराठे के लिए बनाया था, आप उसको चावल सब्जी खा सकते हो, लेकिन ये सब्जी तो इसी सूखी में बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ढक के पानी डाल के ढक दिया था, इसको मैं चेक कर रही हूँ कि आलू थोड़ा सा पका है या नहीं, थोड़ा सा और इसमें पकना बाकी है। फिर से मैंने ढक दिया था, फिर उसके बाद चेक कर रही हूँ। तो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है मेरी रेसिपी आपको तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक ही चीज बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेक किया, आलू ये पक गया है, अच्छी तरीके से गल गया है। तो बस अब ये सब्जी भी ऑलमोस्ट बन के होने वाली है तैयार। तो देखने में अभी से ही बहुत टेस्टी लग रहा है ना, और हरा जो प्याज होता है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है तो वो तो खाना ही चाहिए। और देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये भी सब्जी बहुत टेस्टी से बन के तैयार हो गई। आपको अगर इसको और ग्रेवी सुखाना है थोड़ा सा और सुखा दीजिए, मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रखा है लेकिन आज सूखी सब्जी है ये थोड़ी सी गीली है। तो मैं इसको भी निकाल रही हूँ एक बड़े से बर्तन में। उसके बाद देखिए हो गया है बन के तैयार। लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। फिर मिलूंगी अच्छे अच्छे रेसिपी के साथ। बाय, थैंक यू।